सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बिटकॉइन ने 69,000 डॉलर्स भी टच भी कर लिया, थोड़ा सा उसको पार भी कर लिया। 69,000 शायद 500-600 डॉलर्स हमने बीटीसी को जाते हुए देखा। हमने कल मीम्स के काफी सारे कॉइन्स अनाउंस करे, जिनमें से मेरे हिसाब से सिक्स कॉइन्स उनमें से एक कॉइन 120%, तीन कॉइन 50% और चार पांच कॉइन ने 25-30% गेन हासिल कर भी लिया। बिकॉज मीम्स जो है वो बहुत स्पीड पे मूव करते हैं। अगर आप देखो तो पिछले सीजन के अंदर ये सब कुछ बड़े ऑल्ट कॉइन कर रहे थे, छोटे लो कैप ऑल्ट कॉइन कर रहे थे, लेकिन इस बार वैसी मूवमेंट्स मीम में हो रही है। दैट इज वाई मैंने अपने दिमाग को कहा यार नहीं, अगर मैं नेगेटिव भी फील करता था मीम्स को लेके, मेरे को पॉजिटिव होना पड़ेगा बिकॉज मार्केट का ट्रेंड इस तरफ पुश हो रहा है। और अगर मैं अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करूंगा और ये बोलता रहूंगा नहीं यार मीम तो बेकार है, मीम बेकार है, मीम बेकार है, सीधा निकल जाएगा पैसा, लोग कमा के निकल जाएंगे और मैं पीछे रह जाऊंगा। दैट इज वाई मैंने अपने पोर्टफोलियो का 5-7 मैं कहूंगा 8% के अराउंड मीम्स के अंदर लगा दिया है। और भी मैं ज्यादा जहां पे मेरे को मीम्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं वहां पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा। बिकॉज ये शॉर्ट टर्म के अंदर काफी सारे ऐसे कॉइन्स होंगे जो कि 2x हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, मैं अपना सीड मनी बाहर निकाल लूंगा, उसके बाद देखा जाएगा। वो मीम अगर बन गया पेपे जैसा, शिबा इनू जैसा, या आपका कोई अच्छा टोकन जितना वो क्या पॉप कैट जितना अचीव कर गया, तो आई विल मेक वेरी हैंडसम अमाउंट ऑन दोज कॉइन्स। दैट इज द स्ट्रेटजी दैट आई एम वर्किंग ऑन विद राइट नाउ। आज हम शेयर करेंगे वही कबाल्स के कुछ वॉलेट्स। मैंने बहुत सारे ईथर के कबाल के वॉलेट ट्रैक करे, लगभग 1.5-2 दिन मैंने मेहनत करी, और उनमें से काफी सारे कॉमन टोकन्स जो कि सबके वॉलेट्स में है जिन्होंने बाय करे हैं एट द टाइम ऑफ लाइक जब कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा, वो बहुत सारे कॉमन वॉलेट हैं जिनके पास एक ही टाइम के अंदर कुछ टोकन्स बाय हुए हैं। जैसे कि पिछली बार हमने देखा मुराद के वॉलेट्स के अंदर SXP बाय हुआ, वैसे ही बहुत सारे वॉलेट्स में SXP बाय हुआ क्योंकि इनके पास इंटरनल न्यूज कुछ ना कुछ थी। वैसे ही मागा बाय हुआ, वैसे ही मैंने अब ईथर के बहुत सारे कॉइन्स के ऊपर काफी सारे वेल्स के वॉलेट्स को ट्रैक किया और काफी सारे कॉइन्स निकाले जो कि काफी बड़े बड़े अमाउंट के अंदर वेल्स के वॉलेट में मैंने देखे हैं। दैट इज वाई ये काफी सारे कॉइन्स जो कि आपको शायद ज्यादा लगेंगे, 20 होंगे, 25 होंगे शायद, लेकिन ज्यादा लगेंगे, लेकिन मैं आपको हमेशा यही कह रहा हूँ $10 लगाओ, $20 लगाओ, सब पे लगा दो, उससे होगा क्या, उनमें से 1-2 कॉइन ऐसे होंगे जो कि शायद $1 बिलियन इसी सीजन के अंदर छू जाए और शायद उससे भी ज्यादा आगे निकल जाए। बिकॉज मीम्स के अंदर कोई भरोसा नहीं है कितना ज्यादा ग्रोथ देखने को मिले। तो हमेशा वही पैसा लगाओ जो कि आप लूज कर दो, जीरो करने की कैपेसिटी रख दो, तभी वो पैसा आप मीम में लगाना। लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल सी है कि अगर मैं 20 में पैसा लगा रहा हूँ, 5, 7, 8 जीरो भी हो गए और 4-5 के अंदर मेरे को पैसा मेरा वापस भी आ गया, जो अगले बचेंगे 5-6 वो मेरे को इतना पैसा दे जाएंगे कि मेरा लॉस भी कवर कर देंगे और मेरे को एक हैंडसम प्रॉफिट में भी लेके चले जाएंगे। दैट इज वाई मैं ये सारे मीम्स के अंदर फिलहाल पैसा लगा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे इथेरियम की मीम्स के ऊपर जो कि काफी ज्यादा हाइप मचा रही है और ये कबाल के काफी सारे वॉलेट्स में मैंने नोटिस करी है और उनको मैं आपको शेयर करूंगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, 1 सेकंड लगता है आपको लाइक करने में, मेरे को 2-2 दिन लगे स्टडी करने में। मैंने स्टडी कर ली, मैंने अपने पैसा लगा लिया, मेरे को आपको बताने की क्या जरूरत है, आपको बता रहा हूँ तो फॉर श्योर इतना तो डिजर्व करता हूँ कि वीडियो के ऊपर लाइक्स मिले। आप हमारी वीडियो को दोस्तों का शेयर करो, आप अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ट्विटर के ऊपर आप हमारे जाओगे तो मैं $6,000 का आप लोगों के लिए गिव अवे कर रहा हूँ जिसके अंदर $200 का गिव अवे एवरी सिंगल डे कर रही है। कोई भी इन्फ्लुएंसर इतना एफर्ट अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं लेता, अगर मैं इतना एफर्ट ले रहा हूँ तो वो लाइक आपकी तरफ से कमेंट्स वो तो मैं डिजर्व करता हूँ, तो प्लीज वो जरूर करा करो। दैट इज वट मोटिवेट्स मी टू मेक ऑल द वीडियोज फॉर यू गाइज। जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जल्दी से जान लेते हैं कौन से है ये ईथर के मीम्स जो कि कबाल के वॉलेट में मैंने देखे हैं और उनके ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट करी है फॉर दिस सीजन। जैसे ही 2x 3x होंगे अपना पैसा निकाल लूंगा, उसके बाद राइड करेंगे वेव को, अगर जीरो हो जाएंगे उसके बाद इट्स ओके क्योंकि मेरा पैसा तो घर आ चुका है, मेरे को टेंशन नहीं है, लेकिन अगर वहां से मल्टीप्लाई हुए तो वी विल मेक हेल लॉट ऑफ मनी टुगेदर गाइस। बाकी लिक्विडेशन स्ट्रेटजी के ऊपर आप लोगों को कॉन्ग्रेट्स, बहुत ही गजब पैसा बन रहा है। ऐसी स्ट्रेटजी मेरे को प्राउड है कि मैंने बनाई और आप लोगों को बताई, क्योंकि ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम मैंने नहीं देखा किसी को भी यूट्यूब पे करते हुए कि एक साथ हजारों लोग लिक्विडेशन स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉफिट में जा रहे हैं और वो भी 20-30-40% नहीं, 100%, 200%, 800%, 1000%। जो ट्विटर के ऊपर इस वक्त आज वैसा ही रैली लगी होगी जैसे थोड़े टाइम पहले एरोड्रोम पे लगी थी। तो कॉन्ग्रेट्स गाइस, अभी चलते हैं फिलहाल इथेरियम की मीम्स के बारे में जान लेते हैं।
सो गाइस टाइम वेस्ट ना करते हुए जान लेते हैं सारे के सारे बड़े व्हेल्स जो है कौन से कॉइन्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ईथर के ऊपर अगर मीम की बात करें, ये टोकन जिसका शॉर्ट फॉर्म है डॉज कॉइन वाला, यानी कि डॉज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। मैंने अगर ये वीडियो कल बनाई होती तो काफ़ी सारे कॉइन्स हैं जो कि ऑलरेडी पंप हो गए हैं। मैं ऑलरेडी एंट्री कर चुका हूँ, सॉरी अबाउट इट, मैं आपको नहीं दिलवा पाया उस टाइम एंट्री, बिकॉज एक दिन में एक ही वीडियो के ऊपर काम कर सकते थे। तो ये 33% ऊपर हो चुका है, लेकिन अगर बात करें तो 49 मिलियन की मार्केट कैप का है, बहुत हाई कैपेसिटी है, बिकॉज बहुत सारे वेल्स के वॉलेट में मेरे को ये टोकन दिखा है। सेकेंड वॉल टोकन की बात करूँ जो कि मेरे को नियरली हर बड़े वेल्स के वॉलेट में दिखा, हर बंदा इसके ऊपर लॉस पे भी था, लेकिन हर बंदे ने इसको अच्छी क्वांटिटी में होल्ड किया हुआ है। क्या है ये कॉइन, मेरे को नहीं पता कि इसकी हाइप इतनी क्यों बन रही है, क्योंकि सबने लिया हुआ है। 31-34 मिलियन की मार्केट कैप का कॉइन है। अगर बात करूँ तो XT.com पे ऊपर और एल बैंक के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगा, नहीं तो आप इसको यूनिस्वैप से बाय कर सकते हो। 34 मिलियन की मार्केट कैप का कॉइन है और बहुत सारे बड़े वेल्स के पास अवेलेबल है। पहले मैं वही कॉइन बता रहा हूँ जो कि थोड़े से रिस्की कम है और काफ़ी ज़्यादा वेल्स के ऊपर, उसके बाद हम रिस्की वाली साइड पर चलेंगे जैसे कि हमने कल वाली वीडियो में बात करी थी। थर्ड कॉइन की बात करूँ, हर वेल के पास दोबारा से ये टोकन भी मेरे को देखने को मिला, जिसका नाम है द बॉलकन ड्वार्फ, जिसको कह सकते हैं केकेक, जो कि है लगभग 19 मिलियन की मार्केट कैप का, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लो कैप है और काफ़ी ग्रोथ के चांसेस है इसके पास अभी। और हम बात करें ये भी XT.com के ऊपर आपको मिल जाएगा, नहीं तो यूनिस्वैप पर आप बाय कर सकते हो। फोर्थ टोकन जो कि है सुपर ट्रंप, इसको सिर्फ लेने का रीजन यही है 20 मिलियन की मार्केट कैप है कि ट्रंप का इलेक्शन आ रहा है और जीतने के चांसेस है। हमने सोलाना के ऊपर भी ट्रंप के कुछ टोकन लिए, यूएसए के टोकन लिए, वैसे ही हमने ईथर पे भी लिए और ये काफ़ी सारे वेल्स के पास ये टोकन देखने को भी मिला है। 20 मिलियन की मार्केट कैप का टोकन है, ऑरेंज एक्सचेंज, यूनिस्वैप और MEXC और XT.com के ऊपर भी है, बिंगएक्स और गेट के ऊपर भी अवेलेबल है ये टोकन। फिफ्थ टोकन जो कि मैंने देखा काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर भी लॉस पे थे, क्योंकि शायद उन्होंने बाइंग हाइप करी होगी। अभी 70 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप है, लेकिन इसकी हाइप मैं देख रहा हूँ इसलिए होगी क्योंकि ये सभी वेल्स ने इसको अच्छी क्वांटिटी में इसको भी होल्ड किया है। इसका नाम है बोबो, जो कि आप कह सकते हो एक नया करेक्टर है। 70 मिलियन की मार्केट कैप है। मार्केट में देखूँ तो गेट, MEXC, XT.com और बिटगेट सबके ऊपर अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ कॉइन की जो कि है पेपे 2.0। अगेन बहुत सारे वेल्स के वर्ल्ड में दिखाई दिया, सिर्फ 15 मिलियन की मार्केट कैप, जहां पे पेपे आपको पता है कितना बड़ा है। ये पेपे 2.0 है और यहां पे मेरे ख्याल ये कौन सा करेक्टर है, फ्रॉक का येलो काइंड ऑफ करेक्टर है, लेट अस सी, या फिश है, लेट अस सी। यस, ये फ्रॉक का वही पेपे का सेम करेक्टर इन येलो फॉर्मेट है। तो काफ़ी इसके ऊपर भी मैंने वॉलेट्स को एक्टिव देखा है वेल्स के। अगले टोकन की बात करूँ तो क्लॉस नाम है इसका, जो कि 41 मिलियन की मार्केट कैप पे है, शायद 33 मिलियन की मार्केट कैप पे था जब मैंने इसको बाय किया था, बट ये काफ़ी स्पीड पे बढ़ते हैं मीम टोकन, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, ठीक ठाक टोकन ये भी लग रहा है। MEXC और XT.com के ऊपर है और ये भी एक नया करेक्टर है और ये फिश टाइप का करेक्टर है। यहाँ पे सारी गेम है करेक्टर्स की। वॉट टोकन जो कि मैंने एंट्री ली उसे काफ़ी गिर गया मेरे ख्याल, आपको शायद बेटर एंट्री मिल रही होगी इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो। 7 मिलियन की मार्केट कैप का है, नया करेक्टर है ये भी, और XT.com, MEXC के ऊपर ये भी अवेलेबल है और ये भी करेक्टर। और ऐसे करेक्टर्स में होता क्या है, कभी एक करेक्टर बाई चांस बहुत ज़्यादा हाइप बचा लेता है मार्केट में और यहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर्स में चले जाते हैं तो पता भी नहीं चलता। दैट इज़ वाई इसके ऊपर मैं डिफरेंट कॉइन्स के ऊपर पैसा लगा रहा हूँ। अगले कॉइन की बात करो तो वो है मागा VP। अब हम चले जाते हैं थोड़ा सा रिस्की साइड वाले कॉइन्स के ऊपर, दोबारा से हम बात कर सकते हैं ट्रंप टाइप वाला कॉइन है मागा का, हमने देखा ही है कितने मार्केट कैप उसने अचीव करी है। तो मागा VP जो है वो भी एक अच्छा लग रहा है, अपॉर्चुनिटी 4 मिलियन की मार्केट कैप का है, बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्की साइड वाले कॉइन्स मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर कोई भी अच्छा परफॉर्म कर गया तो। मागा VP जो कि 4 मिलियन का है, इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हो। अगले टोकन की बात करूँ, न्यू करेक्टर जिसका नाम है फ्लैपी, जो कि फिर मेरी एंट्री से काफ़ी ज़्यादा नीचे है मैं कहूँगा, मैंने जहाँ से एंट्री करी थी वहाँ से गिरा था, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो इसको लगभग 3 महीने हो गए हैं और उसके ऊपर काफ़ी सारे वेल्स के वॉलेट फिलहाल एक्टिव है और काफ़ी सारे वेल्स के वॉलेट में मैंने फ्लैपी को भी पाया है। अगला टोकन वैसी, जो कि अगेन मेरी एंट्री से थोड़ा सा नीचे है क्योंकि कल गिरा था, ये भी 2.7 मिलियन की मार्केट कैप। तो अगर इनमें से कोई भी टोकन 100 मिलियन पे चला जाए तो 30x, अगर 1 बिलियन पे चला जाए तो आप लगा लो आप कमा लोगे लगभग 500 गुना शायद। तो ऐसे टोकन्स के ऊपर हम इसलिए पैसा लगा रहे हैं, छोटा पैसा लगा रहे हैं ताकि हमारे को जब मिले तो बहुत अच्छा रिटर्न मिले और हम पूरी की पूरी वेव को इनको राइड कर पाए ताकि हम अपना जब पैसा पूरा निकाल लेंगे तो इट विल बी इजी फॉर अस। फिर आता है कैंडू इनू, जो कि एक और आप कह सकते हो शिबा इनू है, वैसे ही करेक्टर है कैंडू इनू, जो कि है 35 मिलियन की मार्केट कैप के ऊपर, डिसेंट इनफ मार्केट कैप है। MEXC और बिंगएक्स के ऊपर फिलहाल ये अवेलेबल है, यूनिस्वैप पे भी आप इसको बाय कर सकते हो। एक और टोकन जो कि एक और करेक्टर है फ्रॉक का,
जिसका नाम है जे, जो कि बहुत ही स्मॉल कैप है, 2.7 मिलियन की मार्केट कैप है। हाइप मचती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि काफ़ी वॉलेट्स के ऊपर, इसको भी मैंने एक्टिवली ट्रेड होते हुए और होल्डिंग बनाते हुए देखा है। एक और करेक्टर जो कि डायनासोर काइंड ऑफ करेक्टर है, स्पाइकी, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़बरदस्त रैली कुछ दिन पहले देखी थी और अभी है 2.4 मिलियन की मार्केट कैप का, हाई मची ड्रैगन्स के ऊपर, तो ये टोकन भी अच्छा उस पर कर सकता है। अगली अगर मैं बात करूँ तो उसका नाम है बायो किंग, जो कि है बायो और मेरे ख्याल से शायद कुछ चाइनीज़ टोकन होगा प्रॉबेबली, बिकॉज उन्हीं का कुछ करेक्टर लग रहा है चाइनीज़ और जैपनीज़, जिसके 2.8 मिलियन की मार्केट कैप है, तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी इधर भी हो सकती है। मार्केट की बात करें MEXC और बिटगेट के ऊपर ये भी अवेलेबल है। अगले टोकन की बात करो तो ड्रैगी, जो कि एक जिराफ करेक्टर है, तो अगर जिराफ के ऊपर कोई ट्रेंड आया 15% ऊपर है आज, देख सकते हो आप 8 मिलियन की मार्केट कैप है, 80 मिलियन पहुंच जाए ऐसी चीज़ें मार्केट में जैसा जिस हिसाब से मीम का ट्रेंड चल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दैट इज़ वाई मैं कह रहा हूँ ये हाई रिस्क एंड पे है, लेकिन हाई रिस्क एंड को संभालने का तरीका क्या है, जैसे ही आपका फंड 2x 3x हो अपना पैसा निकाल लो, उसके बाद राइड करो टू द टॉप और टू द जीरो, जैसा होगा देखी जाएगी, उसके बाद इस एटीट्यूड से चलो। अगला टोकन है स्वैग, जिसने काफ़ी ज़्यादा पंप दिखाया था, 200-150% का पंप हुआ था कल परसों के अंदर, अभी थोड़ा सा साइलेंट हो रहा है शायद, देख सकते हो आप ऊपर काफ़ी गया था, उसके बाद ये यहाँ पे ड्रॉप भी आया है और अभी 5 मिलियन की मार्केट कैप का प्रोजेक्ट है और 500,000 की वॉल्यूम भी आई थी, जो कि एक बड़ी चीज़ होती है एक छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि कुछ ना कुछ वेल्स के वॉलेट्स में इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। इसके बाद बात करूँ कबासू इनू, जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ था लास्ट 10 दिनों के अंदर, मैंने इसको ट्रैक किया था, 2.6 मिलियन की मार्केट कैप है, मेरे को अच्छी एंट्री मिली है, बट अब 40% ऊपर है, लेकिन येस दिस कैन ऑल्सो डू गुड बट हाईली रिस्की कॉइन, अनदर करेक्टर जैसे कि हमारे शिवा इनू वगैरह सारे करेक्टर्स है। अगला टोकन जो कि है जैसे कि फ्रॉग करेक्टर होता है वैसे ही उसका नाम दिया गया है, ट्रॉग, जो कि दोबारा बहुत लो कैप है, 2 मिलियन की मार्केट कैप है। इनमें से कोई भी टोकन अगर मार्केट कैप पकड़ लेता है, अगर ट्रेंड बना लेता है, तो कितने एक्स हो जाएगा ये मेरे को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। काई कैन, जो कि अगेन 2.7 मिलियन की मार्केट कैप का है, न्यू करेक्टर है, ये करेक्टर्स जो है काफ़ी वेल्स वॉलेट में सारे के सारे जितने आपको बता रहा हूँ एक्टिव रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि वेल्स भी डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा लगा के रखते हैं, फिर उनमें से किसी का ट्रेंड बनता है और कई बार उनके पास इंटरनल न्यूज़ भी होती है। अगला टोकन जो कि है लास्ट टोकन हमारी वीडियो का, उसका नाम है इथेरियम इज गुड, जिसे कहते हैं ई बुल, 3.5 मिलियन की मार्केट कैप का है, और अगर हम बात करें ST.com और एल बैंक के ऊपर ये भी अवेलेबल है। तो ये है हमारे आज इथेरियम के कुछ टोकन्स, मेरे हिसाब से करीबन 20 टोकन है, जहाँ पे हमने सोलाना के 30 टोकन्स के अराउंड मैंने हमने एक्यूमलेट करे, हमने यहाँ पे बात करी है 20 के अराउंड टोकन्स की इथेरियम की चेन के ऊपर। ऐसे ही हमने कुछ एप्टोस की चेन के ऊपर और सुई की चेन के ऊपर भी बात करेंगे, जैसे ही उनके ऊपर थोड़ा सा ट्रेंड फ्लो करता हुआ दिखाई देगा, फिर मैं आपको पूरा अपना पोर्टफोलियो भी कोशिश करूँगा शेयर करने की। अगर आपको चाहिए मेरा पोर्टफोलियो ऑन मीम्स, इंक्लूडिंग दिस सोलाना, दिस इथेरियम, प्लस और कौन से मीम्स मेरे पास है, जो कि दूसरे मीम्स हैं वो सारे मेरे पास हाई क्वांटिटी में हैं, जैसे ब्रेट की बात करूँ, डॉज कॉइन की बात करूँ, और भी बाकी डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स हैं जो कि मेरे पास काफ़ी हाई क्वांटिटी में हैं, ये सारे मैंने स्मॉल क्वांटिटी में गैदर करे हैं, जो लो रिस्क वाले थोड़े से डिसेंट उनके ऊपर कलेक्शन करी है और उनको मैं रख रहा हूँ अपने वॉलेट्स में, बिकॉज मेरे को लगता है ट्रेंड अच्छा दिख रहा है। अगर मीम्स के ऊपर हवा ज़्यादा बनी इस सीज़न के अंदर तो ये सारे टोकन्स में से कुछ टोकन तो फॉर श्योर कहते हैं ना वो फट सकते हैं, तो इसीलिए मैं इनको बाय कर रहा हूँ। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन, एंड अगर आपको मेरा पोर्टफोलियो चाहिए ऑन मीम्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, येस शेयर योर पोर्टफोलियो फॉर मीम्स, मैं उसके ऊपर फिर वर्क करना शुरू करूंगा आने वाले 2-4 दिनों के अंदर। वीडियो को लाइक करें बिना आगे मत बढ़ना, चैनल को अगर आपने पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कहीं नहीं मिलने वाली। हमारी रीसेंट कॉल VIP ग्रुप के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ों को देख के हमने वेंड्री के ऊपर कॉल दी, 200% प्लस चली गई है। अगर हम बात करें फ्यूचर्स के ऊपर, हमने उससे पहले हार्ट्स की कॉल दी 100% गेन, लूमिया की कॉल दी 100% गेन, लूमिया का ट्रेंड अगर हम 5x एवरेज के ऊपर हमारा ओपन रहने देते एक्सचेंजेस तो इट वॉज 500% गेन। ऐसे हमने बहुत सारी एंट्रीज ली है, मैं एक बार और पीछे जाता हूँ, सनडॉक के अंदर हमारे 200% का गेन हुआ था फ्यूचर्स ट्रेड फ्यूचर्स के ऊपर। इसके अलावा थोड़ा सा पहले मैं जाऊँ तो सुई के ऊपर हमारा ट्रेड जो है 150-200% चला गया था अभी थोड़ा दिन पहले। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स हैं जो कि हमारे VIP ग्रुप के अंदर लोग सारे के सारे हमारी टीम प्रॉफिट कमा रही है। तो इन सारी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज VIP ग्रुप में फिलहाल तो एंट्री नहीं दे पा रहा मैं फिलहाल, YouTube के ऊपर से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो फिलहाल। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन, वीडियो को लाइक करें बिना आगे मत बढ़िएगा।